तो गाइस आज हम खोलने वाले हैं मोहम्मद अरबाज की पोल, शादी के मामले में कितना बड़ा झूठ और मंथली इनकम के बारे में कितना बड़ा झूठ। इन सारी पोल जो है खुलने वाली है इस ब्लॉग में। गाइस तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना पहला क्वेश्चन एंड सेशन आंसर, और हमने 1,00,000 लोगों का जो परिवार इकट्ठा किया है इसमें हम पहली बार जो है हम इस सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये पहला सवाल है हमारा जिनका नाम है चाइल्डहुड मेमोरीज। ये लिखते हैं कि आप पर मंथ यूट्यूब से कितना कमाते हो। पर मंथ बताऊँ या नहीं बताऊँ, झूठ बोलूँ या नहीं बोलूँ, क्या झूठ तो नहीं बोल सकता। हालांकि इसमें लोगों ने खुद जवाब दिया है, आप देख सकते हो। एक भाई लिख रहे हैं कि 2,00,000 रुपये कमाते हैं। हाँ, इतना हो जाता है। मतलब क्या आता है कि YouTube पे कोई फिक्स सैलरी नहीं है, आपकी जितनी व्यूअरशिप होती है इतना कमाते हो। जैसे लास्ट में ये जो महीना चल रहा है दिसंबर, इसकी मैं अर्निंग बता सकता हूँ। ये मेरा आप ब्लॉग चैनल के देख सकते हो, तो लगभग $800 हो गए, तो 800 × 56 लगभग 60,000 रुपये इसके हो गए। और बड़े चैनल पर लगभग 1100-1200 हो गए, तो लगभग 70-80,000 उसके हो गए। कुल मिला करके 1,50,000 हो गए। अभी 3-4 दिन बाकी हैं, तो आप बोल सकते हो 2,00,000। ठीक है, इतनी करेक्ट जानकारी कोई देता नहीं है। खैर, उसके बाद लोग जो है विश कर रहे हैं, माशाल्लाह स्वीट भाई इस तरह लिख रहे हैं। उसके बाद अगला सवाल जो है वो ये है कि अरबाज भाई आपकी एज कितनी है, आपकी शादी हो गई या नहीं। भाई एज, लड़कों से एज पूछ रहे हो? भाई मेरी एज है 16 साल। एज मैं नहीं बताऊंगा, एज जस्ट अ नंबर। एज आप खुद जज कीजिए कि कितनी एज हो सकती है, तो ये सिर्फ नंबर होता है। उसके बाद एक सवाल है जिनका नाम है, अच्छा ये सवाल जो पूछा था एज का, ये पूछा था मोहम्मद चांद ने। उसके बाद हैं ऑलराउंडर फन, ये लिखते हैं, इन्होंने कई सारे सवाल पूछे एक में, देख रहे हो कितना चलाक बनने। एक सवाल पूछा और उसमें कई सारे पूछ लिए। पहला, आप कौन से स्टेट से हो? भाई मैं यूपी से हूँ बट बेसिकली दिल्ली में सेटल हूँ। आप यूट्यूब के सिवा और कौन से जॉब करते हो? भाई यूट्यूब फुल टाइम में यूट्यूब को देता हूँ, और इतना आसान है नहीं, हमें 12 से 15 घंटे लग जाते हैं स्क्रिप्ट सोचने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, एडिटिंग के लिए, सब के लिए। उसके बाद यूट्यूब इनकम पर मंथ वो मैंने आपको बता ही दिया है। आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? मेरी फैमिली में मेरी मॉम है, 3 सिस्टर है, मैं हूँ, तो कुल मिलाकर के 5 लोग हुए। योर इंस्पिरेशन फॉर यूट्यूब, संदीप माहेश्वरी। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, ये है कि अफजल का ब्लॉग, फर्स्ट पेमेंट आ गया, चलो आईफोन लेकर आते हैं। अच्छा, ये अपने थॉट्स लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि भाई आप सारे वीडियो आईफोन से बनाते हो या अभी भी DSLR से? मैं ये जो बन रहा है DSLR से बन रहा है, आईफोन से देखो ये सवाल उठा रहा हूँ। डिपेंड्स करता है कंडीशन क्या। जैसे मान लीजिए मैं जाता हूँ तो जहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं होता, क्योंकि दिल्ली के अंदर जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं वहाँ पर 90% जगह ऐसी है जहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, तो वहाँ पर मैं जो है फिर आईफोन का यूज़ करता हूँ। पर एक है ये प्रियागम सिंह, ये लिखते हैं अरबाज भाई नमस्कार। नमस्कार, मेरे 2 सवाल है, उम्मीद है जवाब देंगे, ज़रूर देंगे। पहला है, फूड ब्लॉगिंग कब शुरू कर रहे हो? स्पेशली मुझे फूड ब्लॉगिंग का शौक नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है कि ये स्टोरी उठानी चाहिए, तो मैं उठाता हूँ। मैंने 2-3 व्लॉग फूड पर स्टोरी बनाई है। और उसके बाद गिव अवे चैलेंज कब शुरू करने वाले हो? ये बिल्कुल नहीं, एक्चुअली गिव अवे में क्या होता है कि आप लोगों का नुकसान होता है, यूट्यूबर्स का फ़ायदा होता है, बट वो फ़ायदा मैं लेना नहीं चाहता। तो एग्जैक्टली 1,000 लोगों को सपना दिखाने के बाद मैं अगर एक इंसान को कोई चीज़ दूँ तो वो मुझे लगता है कि 999 लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा है, इसलिए मैं गिव अवे नहीं रखूँगा। उसके बाद सवाल है, एक देखता हूँ और, आप मेनस्ट्रीम मीडिया कब ओपन करोगे? मेरा कोई शौक नहीं है मेनस्ट्रीम मीडिया करने का, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे अच्छा पैसा दिया, सब कुछ बढ़िया रहा, तो मैं एक स्कूल ज़रूर ओपन करूँगा। एक स्कूल या हॉस्पिटल कर सकता हूँ, बट स्कूल को प्रायोरिटी होगी। उसके बाद है, आप शादी करोगे? आप शादी कब करोगे? और ये सवाल एक बंदे ने नहीं, काफ़ी सारे लोगों ने सवाल किया है, जैसे मोहम्मद नदीम ने किया है, उसके बाद अफसार खान ने किया है, उसके बाद एक है सैफ खान, ये इन्होंने किया है, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने किया है। तो एग्जैक्टली शादी का मतलब होता है एक जीवन साथी, तो इस पर मैं आज खुलकर बोलना चाहता हूँ कि मैं शादी एक दोस्त से करूँगा, क्योंकि दोस्त जो होता है वो ज़िंदगी भर होता है। और साइकोलॉजिकल क्या होता है कि आप अपने मन की जो फीलिंग है वो अपने दोस्त से शेयर करते हो, लेकिन इस समय जो शादी हो रही है वो ज़्यादातर कंप्रोमाइज़ हो रही है। और मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ कि मैं इतना समर्थ हो गया हूँ, इतना मैंने पैसा कमा लिया है कि मुझे अब एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है, एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है जो मुझे समझे और मैं उसको समझूँ।
तो क्या होता है कि पहले था कि चलो भाई दहेज नहीं लेंगे, तो आदमी कह सकता है यार चार साल पहले या पाँच साल पहले आपने इसलिए बोला होगा सिंपथी लेने के लिए। देखिए आज भी मैं अपनी उसी जगह पर स्टैंड हूँ कि मैं दहेज नहीं लूँगा। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों से जो दहेज मांगते हैं, और उन लोगों पर शर्म आती है दहेज मांगने के बाद वो लड़के को दहेज देते हैं। एग्जैक्टली वो सब कंप्रोमाइज है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कोई लड़की कहती है कि यार ये लड़का मुझे मोहब्बत करता है, ठीक है, और वो शादी करना चाहता है, लेकिन वो लड़का जो है कोई डिमांड रखता है, चाहे मान लीजिए कार की या बाइक की डिमांड रखता है, और उस वजह से वो शादी टल रही है, तो क्या वाकई में वो लड़का उस लड़की से मोहब्बत करता है? नहीं करता। क्योंकि अगर वो मोहब्बत करता, मोहब्बत करने वाले जो होते हैं ना, वो अपनी महबूबा को एक मिनट छोड़ते नहीं है, वो तुरंत लेके जाते हैं। लेकिन एक शादी इस वजह से रुकी हुई है कि अभी कार लेनी है या लड़के को बाइक देनी है, वो शादी इस वजह से रुकी हुई है, तो फिर वो मोहब्बत नहीं है, फिर वो सिर्फ वो कंप्रोमाइज है। और मुझे लगता है कि उस लड़के से ज़्यादा फिर इस दुनिया में सबसे बेकार इंसान कोई है नहीं। तो शादी का मामला ये है कि शादी करेंगे एक अच्छी लड़की से करेंगे, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई इंस्टाग्राम पर किसी ने हाय हेलो करेगा तो बात करेंगे, बट ओवरऑल ये मजाक था, अच्छी लड़की होगी शादी करेंगे, और कोई दहेज नहीं किसी तरह की, कोई भी इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जुनैद भाई आपकी फैमिली में कौन कौन है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद आप कहाँ रहते हैं? बेसिकली दिल्ली में रहता हूँ, बट मैं रहने वाला जो हूँ वो यूपी का हूँ और रामपुर साइड का। एक भाई लिखते हैं और पढ़ता हूँ, अरबाज भाई शादी कब करोगे? अरे बता दिया मेरे भाई, पता नहीं यार ये लड़के शादी के क्यों जल्दी रहते हैं, क्यों मुझे ये वली का बकरा बनाने चक्कर में है, बता तो दिया मैंने शादी का। एक भाई कहते हैं अफरोज खान कबूतर का शौक़ रखते हो? बिल्कुल नहीं भाई, कबूतर का शौक़ मुझे बिल्कुल नहीं रखता हूँ। समीर मैक्स कहते हैं कहाँ से हो आप? तो मैंने आपको बता दिया मैं बेसिकली यूपी से हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। आपका घर कहाँ है इम्तियाज़ भाई? मेरा घर यूपी में है, हालांकि मेरा अपना घर जो है आगरा में भी है, यूपी में भी है, यूपी में मैंने जो जगह ली है उसका भी है। एक भाई कहते हैं मोहम्मद चांद शेख आप जो वीडियो बनाते हो उसमें म्यूजिक डालते हो उसका कॉपीराइट तो नहीं आता? अरे बहुत परेशान हूँ, पाँच कॉपीराइट आए हैं, इसलिए मैं अब वो म्यूजिक लगा रहा हूँ जो विदाउट कॉपीराइट होते हैं। उसके बाद ये सवाल हो गया। उसके बाद आपके मन में कभी मक्का मदीना जाने या उमरा करने का ख्याल आया? अरे मेरे भाई इस ख्यालों के और या इस उम्मीदों से जिए हैं, जितनी हमारी उम्र हो गई उस उम्र में सिर्फ एक यही सपना देखा है कि कब उमरा करेंगे, कब मक्का मदीना जाएंगे, और इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे जब बुलावा जाए। उसके बाद है क्या आप रामपुर से? वह रामपुर से हैं। एक है मोहम्मद आपसे आपके सिस्टर गुस्सा क्यों है? यार ये बहुत कहानी है और इंशाल्लाह आने वाले समय में ज़रूर बताएंगे आपसे। उसके बाद आप खुद को 10 साल बाद कहाँ पर देखते हो? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। डिजिटल क्रांतिकारी अभी तक का सबसे अच्छा सवाल लगा है, और एक बंदे ने जवाब भी दिया ऊपर। भाई वो ऊपर नहीं, मैंने इतना सोचा नहीं है, मैं प्रेजेंट में जीता हूँ, और मेरा अपना ये मानना ये है कि आप जो प्रेजेंट अगर आपका अच्छा है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर भी अच्छा होता है, आपकी सोच से, प्लानिंग से, चीज़ों से नहीं। अगर आपके पास चीज़ें नहीं है तो कल हो सकती है, बट अगर आज आपकी सोच अच्छी है तो गारंटेड आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला है। और उसके बाद 10 साल बाद मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है, बट इतना सोचता हूँ कि मेरा सपना यह है कि मैं इंडिया को अच्छी तरीके से घूम लूँ। इंडिया बहुत बड़ा है घूमने के लिए, भांति भांति तरह के लोग हैं, और एक चीज़ मैंने सीखी है बहुत खूबसूरत है इंडिया, जो हमारे देश में दिखाया जाता है ना कि हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमारे देश में गरीबी और अमीरी है। अगर आप अमीर हो तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, आप गरीब हो तो कोई चीज़ें नहीं है। तो यहाँ लड़ाई जो है इस देश की, मैंने ट्रैवलिंग से ही चीज़ सीखी है कि लड़ाई जो हिंदू मुस्लिम की नहीं है, वो गरीबी और अमीरी की है। एक भाई लिखते हैं पहले आप इस्लाम से रिलेटेड वीडियो बनाते थे और इस्लाम के बारे में बहुत सारी बातें बताते थे, पर अब ऐसी वीडियो नहीं बनाते, तो क्या आपको व्यूज़ का डर है या फिर एडसेंस का? बिल्कुल डर नहीं है। मैं आपको एक बेसिक चीज़ सिखा दूँ, बचपन में जब हम छोटे थे तो नेकर पहना करते थे, होती ना नेकर पहना करते थे, जब बड़े हो गए तो पैंट पहनना शुरू कर दिया। इस्लाम की बात जैसे मान लीजिए आप बचपन में होंगे तो आप मदरसे में पढ़े होंगे, लेकिन ज़िंदगी भर आप मदरसे में तो नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद स्कूल में आएंगे। इस्लाम की बात मैं बताता था अपने आप के बेसिक को मजबूत करने के लिए और किसी भी इंसान के बेसिक को मजबूत करने के लिए, लेकिन अब वक्त है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस पर रिजल्ट के लिए। तो कोई भी इंसान ज़िंदगी भर बातों से काम नहीं चलता है, हमने बात की उस पर, आज हम उस पर अमल कर रहे हैं, और उस अमल से आप देख रहे हो ना कि आज के दौर में जब व्यूज़ पाने के लिए वो लोग लड़के का सहारा लेते हैं, फेक थंबनेल लगाते हैं, कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, लड़ाई दिखाते हैं, पॉन्स क्लिप का सहारा लेते हैं, डबल मीनिंग की बात करते हैं, उसमें अगर अरबाज को आप प्यार कर रहे हो, उसमें हमारे 1 लाख लोग सब्सक्राइबर परिवार बन चुका है, साथ ही साथ
एक साल के अंदर 1 करोड़ लोगों ने हमारे चैनल को देखा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं और लोग आप हमसे और आप भी हमसे प्यार कर रहे हो। तो ये था, और तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है वो मैं उठाना चाहता हूँ कि अरबाज भाई, आप और यूट्यूबर्स की तरह नहीं हो लोगों पर, मतलब कोई इंसान आपसे मिलेगा तो कह नहीं सकता कि 1 मिलियन लोग आपको फॉलो करते हैं। ये अब मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, उनके पास बहुत कुछ है, कार है, घर है, सब कुछ है, एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो आप क्यों नहीं हो और उससे अलग क्यों हो? हालांकि आप ले सकते हो, बेशक मैं सब कुछ ले सकता हूँ, और 2-3 साल पहले मेरा भी ख्वाब था, लेकिन 2 साल के अंदर मैंने 2 लॉकडाउन देखे हैं, और इन दोनों लॉकडाउन में मैंने एक चीज़ सीखी है कि ज़िंदगी जो है वो लग्जरी चीज़ों से नहीं चलती है, ज़िंदगी बहुत सिंपल होती है। और 2 लॉकडाउन उन्होंने झुका दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में, 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, और इन 2 लॉकडाउनों में देखा है। और मेरा दूसरा मानना यह है कि अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, जिनके पास चीज़ें नहीं हैं बट वो मुझे देखते हैं, तो मैं महंगी महंगी चीज़ रख कर या महंगी महंगी चीज़ें दिखा कर उनका दिल नहीं दुखाना चाहता, और ये होना भी चाहिए। देखिए, अगर आप पे पैसा नहीं है और आप अच्छी बातें कर रहे हैं तो उस समय तो कोई भी अच्छी बात कर सकता है, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है और वक्त दिया है, टाइम दिया है, इज्जत दी है, उसके बाद आप कैसे रहते हो, उसके बाद आपका बर्ताव क्या होता है, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। एक इंसान को अय्याशी करने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, टाइम की और पैसे की। किसी के पास टाइम है तो किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो टाइम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दोनों चीज़ें, टाइम भी और पैसा भी है, बट कभी दिमाग अय्याशी की तरफ गया नहीं। क्यों? वो दिमाग में फॉर्मेट नहीं है, वो दिमाग में फॉर्मेट नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं और बस ट्रैवलिंग का शौक़ है, इसके लिए मैं कीड़ा हूँ, इसके लिए तो मैं, मेरा प्लान है कि पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ मैं, जितना हो सकेगा इतना घूमूंगा, भाई ये ट्रैवलिंग एक शौक़ है। तो ओवरऑल दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के सवाल उठाने की कोशिश की, अगर 1-2 बंदों के सवाल नहीं उठाए उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये मेरा पहला क्वेश्चन आंसर सेशन था जो मैंने उठाया, बहुत अच्छा लगा, और आपने जो मुझे प्यार दिया है यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र आपने तय किया है, उसको इंशाल्लाह मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। इंडिया के अंदर मुझे किसी और का तो नहीं पता, बट मैं अपने आप को एक ऐसा यूट्यूबर मानता हूँ कि मैं 24 घंटे पे आपको इंस्टाग्राम पर रिप्लाई ज़रूर मिलता है, और मिलता ही है। यही चीज़ हमें औरों से अलग करती है। तो आई होप दोस्तों, इस ब्लॉग का मैं एंड कर रहा हूँ, ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह कुछ अच्छा करेंगे। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अल्लाह हाफिज़।